कोरोना महामारी से लॉकडाउन के चलते बड़ोखर न्याय पंचायत के लोवाकोन गांव में गरीब परिवारों की समस्या को देखते हुए गांव के ही समाज सेवी संचालक प्रभाशंकर त्रिपाठी से दर्द गरीबों का नहीं देखा गया। बता दें कि लॉकडाउन के चलते सभी के धंधे रोजगार मजदूरी बंद पड़े हैं, ऐसे में खाने के लिए गरीब के लिए एक समस्या बन चुकी है। वहीं विकलांग विधवाओं के सामने अंधेरे जैसे हालात बन गए। ऐसे वक्त में भी फरिश्ते जैसे इंसान की तरह जो लोगों के बुरे समय में काम आते हैं। ऐसे ही समाज सेवी अध्यक्ष हरिकांत पांडे व वरिष्ठ समाज सेवी विभव नारायण पांडे अपने स्तर से गरीब व असहाय विकलांग व्यक्तियों को, जिनके ऊपर घर नहीं, जिनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं, ऐसे तमाम लोगों को मदद पहुंचाई। वहीं बता दें कि पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश मिश्रा व अनुराग पांडे ने लगभग 250 परिवारों को खाद्यान्न वितरण किए, जिसमें 10 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 5 किलो आलू, 1 किलो सूजी, 1 किलो चीनी शामिल है। वहीं गरीब मजदूरों ने खाद्यान्न पाकर समाज सेवियों का शुक्रिया अदा किया और ईश्वर से उनकी लंबी आयु की कामना की। न्यूज इंडिया N9 कोरा प्रयागराज से सत्यम तिवारी की रिपोर्ट। काम हो रहा है कि रखी जाए इतना खुशी बाकी का बताइए, कुछ नहीं कहा जाए। कॉलोनी पाया के भाव कॉलोनी बोले। जैसा कि दोस्तों हम हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि माना कि अंधेरा घरना है पर दीपक जलाना कहाँ मना है, पर दीपक जलाना कहाँ मना है। एक कोरोना जैसी बीमारी आज अंधेरे में चल रही है, छुआछूत की बीमारी जैसे लोग बना रहे हैं और इस पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काफ़ी ज़ोर से लड़े हैं और सबको आह्वान किया है कि सब एक दूसरे का मदद करें। उसी बात को लेकर के हम गांव की बात, गांव का संकल्प लेकर के कोई भूखा न सोने पावे, ये हमारी सौरव एंड कंपनी के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से हम जन जन तक अनाज पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो भी हमको याद करेगा, जिसके पास भोजन की समस्या हो, आधी रात को याद करेगा तो हमारी टीम पहुंच करके उनके घर में भोजन, पका हुआ या भोजन या कच्चा भोजन की सामग्री लेकर के उपलब्ध होगा। जय हिंद जय। मेरा अभियान चल रहा है गांव का संकल्प, गांव की समाज, कोई भूखा ना सोने पाए। सारे युवागढ़ जो है मेरे साथ खड़े हुए हैं। आज मेरी टीम बड़ी हो गई है, हम लोग 170 गाँव हैं अपने ब्लॉक में। 170 गाँव में जो भी भूखे लोग हैं उनको भोजन पहुँचाने का अनुदान दे रहे हैं, जैसा कि 10 किलो गेहूं है, 10 किलो चावल है और 1 किलो आलू है, जो भी उनके खाद्य सामग्री है वो पहुंचाने का कष्ट कर रहे हैं। अब सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं, माननीय श्री मोदी जी ने कहा है कि आस पड़ोस वालों का ध्यान दें, कोई भी भूखा ना सोने पाए, एक दूसरे की मदद दें। जहाँ भी सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है वहाँ हमारे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम लोग उनकी सपोर्ट करने के लिए हाजिर हैं। किसी को दवा की ज़रूरत पड़ रही है दवा भी कराने के लिए हाजिर हैं। जहाँ भी लगता है कि लोगों की मदद की जाए वहाँ तक मदद करने के लिए 24 घंटा खड़े हैं। अगर जिन युवाओं को हमारी टीम में शामिल होना है, जिनको हमारी मदद करना है, तो मेरा नंबर है 7355 5780087। हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी युवा टीम को जो है सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम। जो निहंत असहाय हैं उनको गल्ला वितरण किया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमारी युवा टीम का अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जैसे मोदी जी ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है उसी तरीके से हमारी पूरी टीम सक्रिय हो चुकी है। सैनिटाइजर का छिड़काव 5-7 दिन के करने के बाद अब हम गल्ला वितरण का कार्यक्रम चालू है। हमारी युवा टीम के हरीश जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के हर गांव, हर मोहल्ले में जाकर के नियंत गरीब, सबसे ज़्यादा गरीबों को बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, उनका पूरा देखभाल किया जा रहा है। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा देने की वजह से बहुत ही अच्छा किया है मोदी जी ने। हम लोग कोरोना से बिल्कुल जम के लड़ेंगे और कोरोना को देश से भगाएंगे। स्वदेशी जागरण मंच का संयोजक होने के नाते, कुरान संयोजक होने के नाते, लॉकडाउन के साथ में पूरे ब्लॉक के साथ हरी जी को लेकर के निरंतर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। सारे युवाओं हमारे युवा टीम में शामिल हों, जो भी इच्छुक हों वो सब गरीबों के साथ काम करें, हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। रात दिन बराबर 2 बजे रात को अगर कोई भी गरीब हमें पुकारता है, हम उनके साथ उनकी सहायता करने के लिए हमेशा